अच्छा मुझे ना हमेशा से फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनती नहीं, और गलती से अगर इक्का दुक्का अच्छी फिल्म बन भी जाए ना तो हीरोइनें देखी हैं ऐसी बेकार, मतलब कोई खूबसूरत हीरोइन देखने को नहीं मिलती। अब नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब होती हैं खूबसूरत हीरोइनें बिल्कुल होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे ना कभी हीरो बनने का शौक नहीं हुआ, हाँ अब मुझे ना हमेशा हीरो का वो दोस्त बनने का शौक हुआ है जो नहीं चुपके से हीरोइन को पटा के ले जाए, हीरो को पता भी नहीं चलता, तो वो वाला कैरेक्टर। नहीं मेरा मतलब ये था कि हीरो का वो दोस्त जो नहीं हीरोइन का हीरो की गैर मौजूदगी में ख्याल रखता है बड़ा, हाँ वही ना मतलब तुझे फिल्मों में होता है। नहीं नहीं मैं तो ऐसी चीज शौक है, मैं शौक है तुम्हें, नहीं मैं तो ऐसा बेटा तुझे फिल्मों में, नहीं नहीं मैं तो बता कि हां ऐसी कह रहे हैं। अच्छा भाई ये दावत जो है फैजान भाई की तरफ से, सही मैंने स्टॉल लगाया हुआ है, मैं बेच रहा हूं यहां पे अपने अच्छा। मैंने ना जिंदगी में हमेशा यही एक ख्वाहिश की है कि यार मैं कभी मूवीज में काम करूं और लोग मुझे उसके तवसुल से जाने, अभी तक वो वक्त नहीं आया, मेरा बड़ा पर्दा जो है शायद सिल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है कभी ना कभी वो वक्त ज़रूर आएगा। तो रिसेंटली मुझे मौका मिला हीर मांझा की टीम के साथ ट्रैवल करने का, और ट्रैवलिंग का आपको पता है कि आपके भाई को बेतहाशा शौक़ है, तो इनके साथ मैं निकला पाकिस्तान टूर पे, और मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार कोई भी काम करने जाओ तो उसको पहले सीख लो, तो सीखने का मौका था कि यार जब कल को इंशाल्लाह भाई की कोई मूवी आएगी और उसकी प्रमोशंस करनी होगी तो सीख लेते ना कि किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से मीट एंड ग्रीट किया जाता है लोगों के साथ, किस तरह से शहर ट्रैवल किया जाता है, मतलब एक अलग ही मज़ा होता है। तो फाइनली वो मौका मुझे मिला और सबसे पहली डेस्टिनेशन कराची से बाहर थी हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार हैदराबाद हमेशा हर किसी को वेलकम करता है और बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्राउड होता है, तो उम्मीद तो थी कि डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और फिर हम वहाँ फाइनली पहुँचे। अच्छा जी कास्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि कराची से पहला जो है ना ये समझ लें मीटअप हो रहा है कराची से बाहर हैदराबाद में, इसके बाद मुल्तान जाना है, फैसलाबाद जाना है, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, दुबई जाना है, कहाँ कहाँ जाना है? बस खुशी का इजहार करना चाहूँगा क्योंकि अभी बहुत एक लंबा सफ़र हमने गुजारा है कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों से सफ़र इंग्लिश वाला जो सफ़र किया। सुपर एक्साइटेड हैदराबाद आए, लास्ट ईयर जब हैदराबाद आए थे पर्ची के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इस दफ़ा उससे डबल ट्रिपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और जो अभी रिस्पॉन्स आया था हमें लोगों को बताने के लिए कि हम आ रहे हैं हैदराबाद वो बहुत अच्छा था। देखो बात सीधी स्ट्रेट जानी ईदी सारी आर्ट्स क्योंकि ला रही है हैदराबाद जब भी आना हुआ है ना, हैदराबाद की ऑडियंस ने कोई इतना प्यारा वेलकम दिया है, भले फिल्म की प्रमोशन में आया लेकिन यार वो जो कराची वाइंस की आवाज़ें लग रही थी ना यार, यकीन करो बस जल्द मीटअप करेंगे कराची वाइंस का भी हैदराबाद में इंशाल्लाह। डीजे मेरे साथ मौजूद है और डीजे के पीछे कोई आवाम पागल हुई है भाई, तुझे क्या कहना है? भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कराची से अच्छा क्राउड मुझे हैदराबाद में मिला है, लेकिन कराची वाले बस मारना मत मुझे यार, बचाओ बस कराची वाले, अब तुम्हें घुसने ही नहीं। अच्छा भाई मुल्तान का सीन है, अभी मुल्तान की फ्लाइट है हमारी तकरीबन कोई आधे पौन घंटे के अंदर, और कास्ट में से भी और क्रू में से कोई भी नहीं पहुंचा, आपका भाई अकेला यहाँ पहुंचा हुआ है क्योंकि मेरा घर सबसे करीब है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई नहीं आया तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा, तो मैंने अभी तक बोर्डिंग नहीं कराई। भाई कहाँ थे? आपको पता है बाहर तैरते हुए हम लोग। हैदराबाद के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मुल्तान, लेकिन जिस दिन मुल्तान की फ्लाइट थी मंडे को, वहाँ कराची में एक खतरनाक वेदर हुआ था जो कि बारिश पानी हर जगह, और ऑलमोस्ट हमारी फ्लाइट जो है वो मिस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सारी कास्ट तकरीबन
पहुंच गई और हमें फ़्लाइट मिल गई। अच्छा, मेरी ज़िंदगी की ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी किसी फ़्लाइट में किसी शहर के लिए पहुंचूं और मतलब बैठूं और मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट को कहीं आगे पीछे उतार दिया जाए, तो उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था जो कि मुझे लगता है इस फ़्लाइट के अंदर मैं कर लूँगा। क्योंकि अभी अभी कप्तान ने ऐलान किया है कि हम मुल्तान नहीं लैंड करेंगे, हम लाहौर करेंगे, क्योंकि मुल्तान में तूफ़ान आ चुका है, मतलब वहाँ पर जो है ना खतरनाक सीन है। मुल्तान नहीं जा रहे, लाहौर जा रहे हैं, क्या कहेंगे हरीम आप? हैं अफसरदा हैं, मुल्तान वी वर कमिंग टू यू यार, और अब देखो क्या हो गया, हम सारे स्ट्रैंडेड हो गए हैं क्योंकि हमें आपकी वेदर ने, आपको मुबारक हो, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ये मैं खुशी है मुझे आपके लिए, मगर अफसोस तो ये है कि इस वेदर की वजह से हम आ नहीं पा रहे हैं अब आपके पास, और मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मुल्तान का खाना और मुल्तान के लोग तो सूफियों का शहर है, सूफियों का शहर है। और हमें ये सुनने को मिल रहा था कि शायद हम मुल्तान ना जा सकें, मगर दोबारा कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें फ़्लाइट अगेन जो है वो मुल्तान ले जाती है। अच्छा जी, अभी हम लोग मॉल ऑफ मुल्तान से होके आए हैं और अभी एक और दूसरा कोई मॉल है यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी का मसला है इसलिए हमारी सास को आने में थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा है, लेकिन रश माशाल्लाह से जो है मुल्तान ने रात 12 बजे भी बड़ा ज़बरदस्त दिया है। मानी भाई, आपसे मिल गया, बहुत खुशी हुई, थैंक्स फॉर कमिंग मुल्तान। हरी फारूक, फैजान शेख, सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट लाहौर चली गई थी। देखो बात ये की शेख जानी इतनी सारी रात आप सुनते नहीं है, चीख चीख के गला पड़ के रैप चो करता हूँ। कैसे करते हैं? जो रैप करता हूँ करके बताएं। देखो बात सीधी स्ट्रेट जानी इतनी सारी आर्ट्स क्यों करता रहे हैं हम, वो फिल्म जो बनाते सारे कब हिट्स बन जाए, हमेशा जैसे यूँ डराया यूँ डराया यूँ चैन मजा आया ना हो, यूँ उठा दी अपने गेम, फिर जोड़ी फिर जोड़ी पंपी करने दो, माने आपको मछली पाएगा। यार एक भाई मिले मुझे, वो कह रहे हैं कि जब आपके 500 सब्सक्राइबर्स है ना मानी भाई कराची वाइज के, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और ये भाई मुल्तान के, तो ये भाई एक दानियाल भाई को मैं बहुत अच्छी जानता हूँ, एक आपको बहुत अच्छी जानता हूँ, और जब आपको 500 देना, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जब आप सारी गैदरिंग बना के वो बनाते थे वीडियोस कोई लड़की बनता था कोई लड़की, तो आई थिंक जैद अली के बाद आप ही सबसे अच्छे हैं यूट्यूबर्स हैं। कबीर का है स्वैग, जेरी वेरी क्यूट और रैमसी ब्रैट, बड़े बूढ़े बच्चे प्यारे लौंडे छेड़े बच्ची वाले, एवरीवन एवरीवन आएगा तो पाएगा लव एंड एक्शन, थोड़े थोड़े टीयर्स एंड मी टोटल सेटिस्फैक्शन। तो जनाब ये एक छोटी सी ट्रैवल स्टोरी थी हमारी मुल्तान और हैदराबाद के मीटअप की। इसके बाद हम लोग फैसलाबाद गए, लाहौर आए, गुजरावाला गए, इन सारी चीज़ों की जो फुटेज है, जो सारी स्टोरी है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह ट्रैवल किया दुनिया में, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग थी ना ये फ़िल्म के क्रू के साथ और इतनी सारी मोहब्बतें, तो इसकी यार इसकी फील ही अलग है। लाइक मैं जो चीज़ फ़ील कर पा रहा हूँ ना वो मैं शायद आपको वर्ड्स में ना बता सकूँ। एंड में मैं सिर्फ शुक्रिया कहना चाहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमरान भाई का जो कि प्रोड्यूसर हैं, और बाकी जितनी भी टीम है सारी, हरीम, अली, फैज़ान भाई, मोजेस, बिलाल भाई और जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रिया कि यार आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और मुझे जो है अपने साथ रखा इस प्रमोशन में, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ईदुल अज़हा पे जो है आप ये फ़िल्म देखेंगे, रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखिएगा अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, फैमिली के साथ। और यहाँ पे हम आपसे इजाज़त लेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।